नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल जैन डिफेंस की और एक नई वीडियो में। आज की सबसे पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से निकल के आ रही है। डीआरडीओ अभी एक नया मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर को डेवलप कर रहा है। ये जो मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये पिनाका और स्मैश 2000 रॉकेट लॉन्चर की कमियों को पूरा करके बनाया जाएगा। ये एक मीडियम या शॉर्ट रेंज वाला मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर होगा। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जाने वाला ये नया मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर 120 mm के 24 के आसपास रॉकेट ले जाने में सक्षम होगा एक बार में। उसी के साथ साथ ये मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर 360 डिग्री अटैक करने में भी सक्षम होगा। इसे रिमोट कंट्रोल मोड और ऑटोनोमस मोड दोनों ही मोड में ऑपरेट किया जा सकता है, जिस वजह से मिशन परफॉर्म करते वक्त कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। यही नहीं, अलग अलग प्रकार का वॉरहेड भी यहाँ कैरी करने में सक्षम होंगे इसके रॉकेट, जिस वजह से इसकी लीथलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी अट्रैक्टिव कैपेबिलिटीज और इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा इससे बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर में जो रॉकेट इक्विप्ड होने वाला है, उनमें IR गाइडेंस और एडवांस गाइडेंस सिस्टम किट को भी इक्विप किया जाएगा, जिस वजह से इन रॉकेट्स की मारक क्षमता कई हद तक बाकी रॉकेट से या चाइनीज रॉकेट से ज्यादा होगी। एक और बात, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की ट्रक माउंटेड हाविजर की रिक्वायरमेंट को लेके। तो इंडियन आर्मी ने कुछ ऐसी हाविजर को प्रिक्योर करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एक RFI भी इशू किया है। फिलहाल जो ये RFI है, उसी का जवाब देते हुए रेंतर मेटर जो कि एक जर्मन कंपनी है, उसने अपनी लेटेस्ट हाविजर को शोकेस किया है, जो कि 155 mm x 52 mm कैलिबर को फायर करने में सक्षम है। फिलहाल अगर हम इस हाविजर्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सक्षम हाविजर है। रेनमेटल कंपनी की इस लेटेस्ट हाविजर की मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल की रेंज 40 किलोमीटर है, यानी 40 किलोमीटर दूर तक इसका एमुनेशन पहुंच सकता है। इस हाविजर के टरेट को रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं क्रू के लिए बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी दी गई है अपोनेंट के हाविजर से। तो ऐसे में ये हाविजर इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन के रूप में निकल के आई है सामने। अगली अपडेट निकल के आ रही है DRDO के अनमैंड कॉम्बैट ग्राउंड व्हीकल्स की तरफ से। तो अभी DRDO द्वारा कैसे इन सिस्टमों को डेवलप किया जाएगा या कैसे इन व्हीकल्स को डेवलप किया जाएगा, उसके बारे में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन रिवील की गई है। जहां सबसे पहले BMP-2 व्हीकल के ऊपर एक अनमैंड सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। बेसिकली BMP-2 व्हीकल जो है, उसमें लेजर वेपन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में काम में आएगा। उसी के साथ साथ इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सूट को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिस वजह से ये ड्रोन के साथ साथ इसके तरफ बढ़ती हुई किसी भी प्रोजेक्टाइल, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल या टैंक का एमुनिशन, उसे डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। वही फेज 2 में ट्रैक व्हीकल्स पे ये अनमैन कॉम्बैट ग्राउंड व्हीकल को डेवलप किया जाएगा। बेसिकली ये जो हाई स्पीड ट्रैक व्हीकल्स होने वाले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोवेव वेपन का यूज किया जाएगा, जिस वजह से ये बड़े से बड़े वेपन या कहे कि बड़े से बड़े ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है धनुष हाविजर की तरफ से। ऑर्डनेंस फैक्ट्री पोर्ट द्वारा ये धनुष हाविजर बनाई जाती है, और अभी इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडियन आर्मी ने 2019 में 114 ऐसे हाविजर्स का ऑर्डर दिया था, और भी ने ऐसा बात की थी कि 50 हाविजर हर वर्ष डिलीवर किए जाएंगे। 2020 में 28 किए गए, और अभी 2021 के मार्च महीने तक महज 6 हाविजर्स ही इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जा सकेंगे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल के आया है, वो COVID-19 पैंडेमिक का लॉकडाउन है, जिस वजह से धनुष हाविजर्स के अलग अलग पार्ट की प्रॉपर सप्लाई ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को नहीं हो पाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी ने 114 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, और इंडियन आर्मी का प्लान था कि एडिशनल कुछ यूनिट्स और प्रिक्योर किए जाए, लेकिन जैसा कि स्लो प्रोडक्शन रेट है इस हाविजर का, तो उस कारण इसके एडिशनल यूनिट्स का ऑर्डर अभी इंडियन आर्मी द्वारा फिलहाल रोक दिया गया है। अगली अपडेट निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो ने अभी हाल ही में अपना 2-stage 2-orbiter रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को रिवील किया है। बेसिकली इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में इसरो द्वारा रिवील की गई है। ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होने वाला है, ये एक्चुअली में पेलोड को 2 टन के पेलोड को डिप्लॉय करने में सक्षम होगा अर्थ के लो ऑर्बिट में। यही नहीं, रीयूजेबल होने की वजह से हम मल्टीपल टाइम इस व्हीकल का यूज कर पाएंगे, जिस वजह से व्हीकल को बनाने की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम आएगी। और जैसा कि रीयूजेबल है, तो इसको यूज़ करने के लिए जो टाइमिंग है वो भी ज़्यादा नहीं लगेगी, यानी एक बार लैंड करने के बाद इसे जल्द से जल्द 1 या 2 दिनों में वापस से इस्तेमाल भी किया जा सकेगा, जिस वजह से इसरो को मल्टीपल टाइम इसे यूज़ करने का मौका भी मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर चाहे तो 1 या 2 दिन के बाद हर दिन एक लॉन्च हो सकता है, और जिसके कारण इसरो को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे सैटेलाइट को लॉन्च करने में।
ऐसे में इसरो का तो यहाँ फायदा ही है, इंडिया का भी बहुत बड़ा फायदा है। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की और इसकी टाइमिंग की। तो बेसिकली इसकी जो टाइमिंग है वो 2028 के बाद है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करेगा। तो इसमें एक टर्बो फैन रैमजेट इंजन है जो कि इसे 6 मैक की स्पीड और 15 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर पहुँचाने में सक्षम होगा। उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन का वर्क शुरू हो जाता है। स्क्रैमजेट इंजन इसे 28 किलोमीटर के अल्टीट्यूड के साथ साथ 9 मैक की स्पीड दिलाने में सक्षम होगा। उसके बाद 50 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर पहुंचाने का काम रॉकेट इंजन का होगा, जिसके बाद पेलोड को डिप्लॉय करने के बाद हमारा ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वापस से एक सीधे साधे फाइटर जेट की तरह या एक एरोप्लेन की तरह हमारे स्ट्रिप पे एयर स्ट्रिप पे लैंड कर जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।